कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। चीन से निकले इस खतरनाक वायरस ने दुनिया भर में 1,53,74,394 लोग संक्रमित हो गए हैं और आंकड़ों की बात करें तो दिनों दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस महामारी से अभी तक 6,30,211 लोगों की मौत हो चुकी है। वायरस से बचने के लिए अभी तक कोई टीका विकसित नहीं हुआ है। COVID-19 यानी कोरोना वायरस के टीके को बनाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक एकजुट होकर काम में लगे हुए हैं। वर्तमान में बात करें तो अभी तक 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो अपने परीक्षण के अंतिम चरण तक पहुंची हैं। उनमें से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन AZD-1222 भी है। इस वैक्सीन के ट्रायल ने अपने प्रारंभिक परीक्षण में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लॉसेन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार इस वैक्सीन ने 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों में दोहरी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा की है। आखिर ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन का क्या है नाम, तो आपको बताते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड वैक्सीन को AZD-1222 नाम दिया गया है। इस वैक्सीन को स्वीडिश द कंपनी एस्ट्रोजेनेका प्लेस द्वारा विकसित करा गया। इस वैक्सीन के तैयार होने से पहले ही मानव परीक्षण पहले से ही शुरू कर दिया गया था जो कि ब्राजील में शुरू हो चुका था। अब बात आती है भारत में कब तक आ सकती है COVID-19 की ऑक्सफोर्ड द्वारा जो वैक्सीन तैयार करी गई है जिसका नाम है AZD-1222। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार एस्ट्रोजेनेका इस संबंधित टीके का उत्पादन करने वाली बेचने के लिए दुनिया भर में सेरम यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल हो गया है। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पुनावाला ने कहा, द लेसेंट के एक रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन सुरक्षित है और प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स भी दे रही है। भारत में ऑक्सफोर्ड COVID-19 की इस वैक्सीन के 3 चरण होंगे। पुनावाला ने कहा कि सीएम इंस्टीट्यूट इस साल ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की 3 से 4 मिलियन खुराक का उत्पादन करेगा। पूनावाला ने कहा, हम लगभग 2 सप्ताह में मंजूरी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद हम भारत में 3 चरण में ह्यूमन ट्रायल करेंगे। वहीं इस बात का दावा भी है कि दिसंबर तक लॉन्च कर सकते हैं भारत में ऑक्सफोर्ड की COVID-19 वैक्सीन। पूनावाला ने कहा कि इस साल के अंत तक हम 3 से 4 मिलियन खुराक का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट अक्टूबर तक प्रति माह वैक्सीन की 70 मिलियन खुराक का निर्माण करेगा और दिसंबर तक इसे प्रति माह 10 मिलियन तक ले जाने की योजना है। फिलहाल आपको बता देते हैं, भारत में ऑक्सफोर्ड COVID-19 की वैक्सीन के 3 चरण के परीक्षण में 4,000 से 5,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। मरीजों में इंजेक्शन लगाने के बाद परीक्षण में 2 महीने लगेंगे और वैक्सीन को नवंबर में अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। अब जान लेते हैं कि भारत में यदि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की COVID-19 की ये जो वैक्सीन है इसको लॉन्च करा गया तो इसकी कीमत क्या होगी। भारत में ऑक्सफोर्ड COVID-19 वैक्सीन की कीमत के बारे में पूछा जाने पर पूनावाला ने कहा कि वैक्सीन की कीमत पर टिप्पणी करना जल्दबाजी हो सकती है। हालांकि हम इसकी प्रति खुराक की कीमत 1,000 रुपए तक रखेंगे और बस उम्मीद तो यही है कि आने वाले साल कुछ बेहतर परिणाम जरूर सामने आए। तो ये थी रिपोर्ट कि भारत में COVID-19 की वैक्सीन जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार करा है आखिर वो कब तक भारत में लॉन्च हो सकती है।